जरा सोचो, एक आदमी पेट्रोल पीकर बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाए, लेकिन चीजें जैसी दिख रही हैं उतनी सीधी है नहीं। कहानी की शुरुआत होती है एक स्पेसशिप से जो सीधा जाकर कोरिया में क्रैश हो गई। स्पेसशिप एक नदी में डूबी और अचानक नदी से एक नंगा आदमी बाहर निकला। इसके बाद हम मैंजी नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपनी पत्नी सोही के साथ नाश्ता तैयार कर रहा था। उनकी हाल ही में शादी हुई थी और दोनों खूब मजे लूट रहे थे। मैंजी काफी अच्छा, सुंदर और मेहनती है, इसलिए सोही खुद को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की समझती। एक दिन सुबह नाश्ता करते हुए मैंजी ने कहा कि वो आज रात डिनर के समय तक घर नहीं पहुंच पाएगा। सोही ने पूछा, तुम सच में काम के लिए बाहर जा रहे हो या कुछ और बात है? लेकिन मैंजी ने यही जवाब दिया कि वो उससे बहुत प्यार करता है। फिर शाम को सोही अपने बचपन की सहेलियों से मिलने गई। जब उसकी एक सहेली ने सोही से उसके पति के बारे में पूछा तो सोही ने अपने पति की तारीफों के पुल बांध दिए। इतनी तारीफ सुनकर वो लड़की भी कहने लगी, बस ना, मेरा बॉयफ्रेंड भी बहुत अच्छा है, क्या हो गया? इसके बाद सैरा नाम की एक दूसरी लड़की की बात छिड़ गई। सैरा के बारे में अफवाह थी कि उसने अपने पिछले पति को मार डाला था क्योंकि उसका बाहर चक्कर चल रहा था। फिर रात को सोही घर देर से लौटी। तब तक मैंजी सो चुका था। सोही को उसके हाथों पर कुछ निशान दिखे और तभी उसके फोन पर किसी का कॉल आया। फिर सोही ने अपने पति का फोन देखा तो उसमें कई मैसेजेस मिले। एक मैसेज में लिखा था कि वो शुक्रवार को किसी से मिलने वाला है। ये पढ़कर सोही को शक हो गया कि कहीं मैंजी का कोई चक्कर तो नहीं चल रहा। अगली सुबह सोही ने मैंजी को शुक्रवार के दिन उसके साथ एक फंक्शन में चलने को कहा, लेकिन मैंजी ने काम का बहाना करके बात टाल दी। अब सोही का शक और बढ़ गया कि उसकी नाक के नीचे उसका पति उसे धोखा दे रहा है। आखिरकार सोही डॉक्टर जैंग नाम के एक प्राइवेट जासूस से मिली। वो चाहती थी कि जैंग उसके पति का पीछा करके पता लगाए कि सच में उसका कोई चक्कर है या नहीं। इसके बाद डॉक्टर जैंग काम पर लग गया और हर जगह मैंजी का पीछा करने लगा। आखिरकार उसने सोही को मिलकर बताया कि मैंजी उसे धोखा तो दे ही रहा है और इसके अलावा उसकी कुछ अजीबोगरीब आदतें भी हैं। मैंजी अपना ज्यादातर वक्त क्लब्स, जिम्स और गोल्फ कोर्सेज पर बिताता था। वो हर रोज नई लड़कियों के साथ घूमकर गुलछर्रे उड़ाता है और तो और वो हर सुबह बहुत सारी वाइन पीता था। डॉक्टर जैंग ने बताया कि मैंजी की तो पहले भी 3 शादी हो चुकी हैं और उसकी तीनों पत्नियां या तो गुमशुदा हैं या फिर मर चुकी हैं। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि मैंजी छिपकर पेट्रोल पीता था। ये सब सुनकर सोही का दिल टूट गया और वो रोती हुई वहां से चली गई। उस रात सोही ने एक चाकू से मैंजी का काम तमाम करने की कोशिश की, लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा पाई। आखिरकार वो अपनी पुरानी दोस्त सैरा से मिलने पहुंची। उसने सैरा से कहा कि वो अपने धोखेबाज पति को मारना चाहती है। सैरा की खुद की 4 शादियां टूट चुकी थी और उस पर अपने पिछले पति को मारने का इल्जाम भी था। उसने कहा कि हालांकि उसने अपने पिछले पति को नहीं मारा, लेकिन फिर भी उस कमीने का मरना बनता था। ये सारे मर्द एक जैसे होते हैं। अगले दिन सोही एक बार फिर से डॉक्टर जैंग से मिली और जासूस ने बताया कि उसके हिसाब से तो मैंजी इस दुनिया का है ही नहीं। वो किसी और ग्रह से आया है और वहाँ के लोगों को द अनब्रेकेबल्स कहा जाता है। ये लोग धरती पर भेष बदल कर इंसानों के साथ रह रहे हैं। ये इंसानों से शादी करके बिल्कुल इंसानों जैसा जीवन बिताते हैं ताकि इन पर किसी को शक ना हो। जब सोही को उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ तो डॉक्टर जैंग उसे पेट्रोल पंप पर ले गया, जहाँ सोही ने अपनी आँखों से मैंजी को पेट्रोल पीते हुए देखा। ये देख कर उसकी आँखें खुली की खुली रह गई। उधर एक्सकॉम में सरकार की एक खुफिया मीटिंग चल रही थी जिसमें साइंटिस्ट, सरकार और पुलिस के कुछ आदमी शामिल थे। इन लोगों का मकसद है एलियंस को पकड़ना जो इंसानों के साथ रहकर इंसानों का डीएनए इकट्ठा करके उनमें वायरस फैला रहे हैं। इसके लिए उन्हें एलियन लीडर मैंजी तक पहुंचना होगा ताकि इंसान जाति को बचाया जा सके। उधर डरी हुई सोही अपने घर पहुंची और उसने फ्रिज में से पानी पिया, लेकिन मैंजी ने पहले ही पानी में जहर मिला रखा था, इसलिए उसे पीते ही सोही जमीन पर गिर पड़ी। कुछ देर बाद मैंजी वहां आया और सोही को बेहोश देखकर खुश हो गया। उसने तुरंत सोही के दोस्तों को खबर कर दी ताकि किसी को उस पर शक ना हो। वो जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेकर गए, जहां डॉक्टर ने बताया कि सोही मर चुकी है। उसकी सारी सहेलियां रोने लगी और मैंजी भी बेचारा बनकर नाटक करने लगा, लेकिन अचानक सोही जाग गई और उसने नीले रंग का जहर थूक दिया। अब मैंजी का प्लान चौपट हो चुका था, लेकिन वो सोही को जिंदा देखकर खुश होने का नाटक करने लगा। इसके बाद मैंजी ने दुकान पर जाकर एक और जहर खरीदा ताकि वो सोही को खत्म कर सके। वहीं पुलिस भी उनका पीछा कर रही थी और उन्होंने दुकान के बाहर मैंजी की तस्वीरें ले ली। शाम को मैंजी अपने एलियन दोस्तों से मिला और उन्हें सोही को मारने के प्लान के बारे में बताया। उसने उन सब से सोही की लाश को ठिकाने लगाने में मदद मांगी। दूसरी तरफ
सो ही सरा के साथ मिलकर मैनजी को मारने का प्लान बनाने लगी और उसे डॉक्टर जैंग से भी मिलवाया। वो तीनों मैनजी को तेज बिजली के झटके देकर मारना चाहते थे। अगर उनका प्लान फेल भी हो गया तो डॉक्टर जैंग के पास एक और प्लान था। उसने एक खास इंजेक्शन बनाया था जिससे एलियंस को मारा जा सकता है, लेकिन अभी तक उसने इसे टेस्ट नहीं किया था। वाह, कुछ ज्यादा ही भगवान भरोसे नहीं हो रही है। फिर वो तीनों सोही के घर पहुंचे और प्लान को अंजाम देने में जुट गए। डॉक्टर जैंग ने बाथटब में तेज बिजली की किरणें लगा दी और उसका रिमोट निकाला जो कि एक आम लाइटर जैसा दिखता है। उसी वक्त घंटी बजी और उन तीनों को लगा कि मैनजी घर वापस आ गया है, इसीलिए सरा और डॉक्टर जैंग फटाफट बाथरूम में छिप गए। लेकिन दरवाजे पर तो सोही की दोस्त बंदूक लिए खड़ी थी। वो अपने बॉयफ्रेंड ब्रोकली को ढूंढ रही थी जो असल में डॉक्टर जैंग ही है। उसने पूरे घर की तलाशी ली और देखा कि बाथरूम का दरवाजा अंदर से बंद है। उसने गुस्से में दरवाजा तोड़ डाला, लेकिन वहाँ तो सरा हल्की हो रही थी। बेचारी शर्मिंदा होकर बाहर आ गई। असल में डॉक्टर जैंग तो बाथटब में पर्दे के पीछे छिपा हुआ था। उधर लिविंग रूम में उसने सोही को बताया कि उसका बॉयफ्रेंड शायद उसे धोखा दे रहा है। फिर उसने एक सिगरेट निकाल ली, लेकिन उसके पास लाइटर नहीं था, इसलिए उसने वो लाइटर जैसा दिखने वाला रिमोट उठा लिया। जैसे ही उसने बटन दबाया, डॉक्टर जैंग को जोरदार बिजली का झटका लगा। तीनों लड़कियां डर के मारे बाथरूम की ओर भागी और उन्होंने देखा कि डॉक्टर जैंग तो मर चुका था। सोही ने उसकी मौत का जिम्मेदार यांग सून को ठहराया क्योंकि उसने ही बटन दबाया था। लेकिन सोही ने कहा कि कोई किसी से कुछ नहीं कहेगा और सब मिलकर डॉक्टर जैंग की लाश को छिपाएंगे। उन्होंने लाश को मैनजी की अलमारी में छिपा दिया और तभी मैनजी घर लौट आया। दरअसल आज उसका जन्मदिन भी था, तो सोही कहने लगी, जाओ ना बाबू, नहा के आओ, ऐसे बिना नहाए केक नहीं काटते, ठीक है। जब वो बाथटब में था तो सोही ने बाहर से बटन दबा दिया। मैनजी को बिजली का झटका तो लगा, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। जब लड़कियों ने उसे जिंदा देखा तो उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, लेकिन उन्होंने कहा कि ये तो बस एक प्रैंक था और इसके बाद सब मिलकर केक काटने लगे। तभी सोही ने मैनजी को वाइन पीने को कहा जिसमें उसने पहले से जहर मिला रखा था। उसी वक्त अलार्म बजने लगा कि अलमारी में कुछ है, तो मैनजी तलाशी लेने पहुंचा। तीनों लड़कियां भी डरी हुई उसके पीछे आ गई। जैसे ही उसने अलमारी खोली, उसमें से डॉक्टर जैंग निकला जो अब तक जिंदा था। मैनजी को लगा कि वो एक चोर है और उसने उसे मार कर बेहोश कर दिया। सोही को लगा कि अब तो शायद डॉक्टर मर गया, इसलिए उसने मैनजी से डॉक्टर को दफनाने को कहा ताकि वो पकड़े ना जाए। उधर से मैनजी के एलियन दोस्त सोही की लाश को ठिकाने लगाने आ पहुंचे, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही गड़बड़ चल रही थी, इसलिए उन्होंने कहा, हम तो भाई का जन्मदिन मनाने आए हैं, भाई हमारे बिना पार्टी कैसे होगी। मैनजी ने उन्हें वाइन पीने भेज दिया और खुद लड़कियों के साथ डॉक्टर को दफनाने चला गया। जैसे ही मैनजी ने जमीन खोदी, सोही ने पीछे से उसके सर पर कुल्हाड़ी मारकर उसे डॉक्टर के साथ वहीं दफना दिया। आखिरकार उन तीनों ने चैन की सांस ली, लेकिन तभी मैनजी का सर जमीन से बाहर आ गया। ये देखकर वो तीनों तुरंत गाड़ी में भाग गई। मैनजी भी बाहर निकलकर उनका पीछा करने लगा। वो तो गाड़ी से भी तेज भाग सकता था। इसी चक्कर में गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और इस सब के बीच मैनजी भी एक पहाड़ से नीचे जा गिरा। जब लड़कियों को मैनजी की लाश नहीं मिली तो वो वापस सोही के घर लौट आई, लेकिन वहाँ तो मैनजी के सारे एलियन दोस्त मरे हुए थे क्योंकि सबने वो जहरीली वाइन पी ली थी। बिना समय गवाए उन तीनों ने सारी लाशें अपनी गाड़ी में भरी और उन्हें ठिकाने लगाने चल पड़ी, लेकिन रास्ते में उन्हें पुलिस ने रोक लिया। उन्होंने बहाना लगा दिया कि सर ये तो हमारे पति हैं जो शराब पीकर बेहोश हो गए हैं, पियक्कड़ कहीं के। आखिरकार उन तीनों को पुलिस स्टेशन ले जाया गया। पुलिस डॉक्टर जैंग को भी वहाँ ले आई क्योंकि उन्हें लगा कि वो आवारा घूम रहा है। असल में बिजली के झटकों की वजह से उसकी याददाश्त चली गई थी। उधर मैनजी पहाड़ चढ़कर फिर से ऊपर आ गया और वहाँ उसे पेट्रोल दिखाई दिया। जैसे ही उसने पेट्रोल पिया, उसके सारे जख्म भर गए और वो एकदम तंदुरुस्त हो गया। इसके बाद वो पुलिस स्टेशन गया और सोही और उसकी सहेलियों को छुड़ाकर अपने साथ ले आया। गाड़ी में मैनजी ने नाटक किया कि उसे तो कुछ भी याद नहीं है, लेकिन थोड़ी देर बाद कहने लगा उन तीनों को बड़े प्यार से मारेगा मस्ती के साथ। अचानक सरा ने अपना चाकू निकाल कर उसके सर पे दे मारा। इससे गाड़ी एक बार फिर पहाड़ से नीचे गिरी, लेकिन सोही, सरा और यांग सुन जिंदा बच गई। वो तीनों जल्दी से गाड़ी से निकलकर भागी। कुछ देर बाद मैनजी उठा और चाकू अब भी उसके सर में था। तीनों लड़कियां भागकर एक फैक्ट्री में छिप गई, लेकिन मैनजी ने अपनी शक्तियों से उन्हें ढूंढ निकाला। जैसे ही वो सोही को मारने वाला था, बहुत सारे एलियन ऑफिसर्स वहां आ पहुंचे। जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई और मैनजी ने अपनी तिलस्मी शक्तियों से ऑफिसर्स को धूल चटा दी। तभी डॉक्टर जैंग ने सोही को अपना बनाया इंजेक्शन थमा दिया। सोही ने पीछे से मैनजी को इंजेक्शन लगा दिया और अचानक वो कुछ देर के लिए वहीं जम गया। डॉक्टर जैंग के इंजेक्शन ने काम किया और आखिरकार मैनजी मारा गया। एक साल बाद तीनों सहेलियां पार्टी कर रही थी जब डॉक्टर जैंग यांगसुन के लिए फूल लेकर पहुंचा। आखिरकार हमने देखा कि सोही एक पेट्रोल पंप पर गई और पाइप अपने हाथ में उठा ली जैसे कि वो पेट्रोल पीने वाली है, और इसी के साथ कहानी खत्म हो गई।